So, Pakhi, सबसे पहले तो congratulations. Thank you very much. So, Pahuna, उसके बारे में बताएं, कहाँ से journey start हुई और क्या कुछ है? Okay. Pahuna की journey मेरे लिए 14 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं art of living के लिए as a teacher गई थी North East में. और वहाँ पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, 3 दिन बाद ही उन लोगों ने मुझे होटल से निकाल के अपने घर पे रखा और अपने फैमिली मेंबर की तरह रखा. और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं 1.5 साल वहाँ रही वहाँ पर. तो वो चीज़ मेरे साथ हमेशा रही और मैंने डिसाइड कर लिया था जब मैं डायरेक्टर बनूँगी तो मेरी पहली फिल्म वहाँ के लिए होगी. और जब मैं एक कमर्शियल फिल्म साइन करने वाली थी तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, अगर पहुना जैसी फिल्म मैं अभी नहीं बनाऊंगी तो कभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर मेरी कमर्शियल फिल्म फ्लॉप हो गई तो मुझे कोई फिल्म पैसा नहीं देगा बनाने के लिए एक रीजनल फिल्म बच्चों के बारे में, और अगर हिट हो गई तो दूसरा प्रोड्यूसर कहेगा मेरे लिए भी हिट फिल्म बना. सो पहुना हैड टू बी माई फर्स्ट फिल्म. एंड लकीली मुझे PPP जैसा प्रोड्यूसर मिल गया, बैकिंग मिल गई, जो रीजनल फिल्म में इंटरेस्टेड थे. स्टोरी कहाँ से आई, कहाँ से क्या था स्टोरी में जो आपको इतना पसंद आया कि आप इस पे काम करना चाहते? सी स्टोरी, माय हस्बैंड एक्चुअली इज़ आल्सो माय टीचर. जब स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम बात करते तो उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया. तो एक्चुअली ये असाइनमेंट था पहुना मेरा, मुझे फिल्म लिखनी थी. और मुझे बच्चे शुरू से बहुत पसंद है. आई एम वेरी इन्फ्लुएंस विद माई ब्रदर एंड माई रिलेशनशिप इज़ लाइक अ फादर डॉटर मोर देन एनीथिंग एल्स. कि हाउ ही टुक केयर ऑफ मी बिकॉज आर पेरेंट्स वर वर्किंग, तो कैसे मेरे बड़े भाई ने मुझे सारा ध्यान रखा. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कैप्चर दैट कि हाउ एक बड़ा भाई या बहन अपने छोटे भाई या बहन के लिए माँ बाप के समान बन जाता है. सो ये फिल्म का वो एक चीज़ मैंने कैप्चर की है. हर चीज, एवरीथिंग. सी देयर आर ओनली 2 पीपल आई गिव क्रेडिट कि मैंने डायरेक्शन जहाँ से सीखी है, एक है अब्बास टायरवाला और दूसरा है नागेश कुकुनूर, मैंने उनको भी असिस्ट किया है. और तीसरा प्रोडक्शन इलाही हिब्तुल्ला, उन्होंने मुझे सिखाया कि आप कैसे $1 को $1 million बना सकते हो. यू नो सब लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारी फिल्म रीजनल फिल्म दिखती ही नहीं है, यू नो इट लुक्स लाइक अ इंटरनेशनल फिल्म. और वो मैं क्रेडिट पूरा इलाही मैम को दूंगी कि उन्होंने मुझे वो सिखाया है कैसे करना है. तो कुछ टिप्स देते हैं अब्बास सर के, किस तरह की फिल्म करनी चाहिए या किस तरह की नहीं करनी, या कोई काम आप लेती हैं तो कुछ सजेशंस लेती हैं अब्बास सर से? एब्सोल्युटली, मैं हर कुछ उससे डिस्कस करती हूँ, लेकिन वो हमेशा एक ही चीज़ बोलता है, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो. सो पहुना की जर्नी जानना चाहेंगे, आपने कहाँ शूट की और क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा? बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा. सिक्किम का सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी है उसकी नेचर और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका नेचर. हमारी हर लोकेशन 1-1.5 घंटा दूर होती थी, तो खाना जब तक हमारे पास आता था ठंडा हो जाता था. और वेदर भी बहुत डिफिकल्ट था, रेन्स पहले आ गई थी, स्नोफॉल शुरू हो गया था, तो इट वॉज़ अ वेरी डिफिकल्ट शूट. बट समहाउ आई थिंक दीज किड्स इतनी पॉजिटिविटी लेके आए सेट पे ना, कि मेरी पूरी टीम, अमेजिंग टीम, किसी ने कंप्लेन नहीं किया. यू नो लोग कहते हैं कि अरे लाइट बॉयज़ बहुत कंप्लेन करते हैं, यू नो नथिंग, दे वर लाइक वन टीम, किसी ने एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं किया. थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस किसी को चोट नहीं लगी. हमने जहाँ जहाँ शूट किया, जब आप फिल्म देखेंगे लोकेशंस बहुत डिफिकल्ट है और हमने ऐसा लगता है कि आसानी से शूट कर लिया. उनको स्क्रिप्ट पसंद आई, उसके बाद उन्होंने कुछ इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन मैं उनको हर कुछ भेजती थी, जैसे लुक और एक्टर्स, एवरीथिंग, म्यूजिक, सब उनको मिलता था. कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, फीडबैक दिया. वो भी बोलती थी कि तुम्हारी चॉइस है अल्टीमेटली, ये मेरा एडवाइस है पर बाकी तुम्हारी चॉइस है. एंड एज अ प्रोड्यूसर, जैसे ही फिल्म खत्म हुई, जब टाइम आया उसको बाहर ले जाने का, शी केम अलाइव. और बच्चे को साथ, मतलब बच्चे के साथ शूट करना कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि बहुत अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. सी मेरे लिहाज से बच्चों के साथ ज़्यादा आसान है एक्टिंग करना रादर देन बड़ों के साथ. बड़े लोगों के अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये अच्छा एक्टिंग है, ये वो अच्छा एक्टिंग नहीं है. बच्चे कभी नहीं बोलते मुझे इस एंगल से शूट करो, इस एंगल से शूट मत करो. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो क्लीन स्लेट के साथ आते हैं. प्रॉब्लम आती है कि वो सो जाते हैं, यू नो मिडिल ऑफ द डायलॉग वो सो जाते हैं. कभी कभी आपको लगेगा कि अरे तुम सोए हुए लग रहे, नहीं वो सच्ची में ही सोए हुए थे, यू नो. तो यू हैव टू वर्क अराउंड देयर मूड्स, यू हैव टू
बी वन विद देम. कभी कभी उनके यू हैव टू एक्ट लाइक अ मदर, कभी यू हैव टू एक्ट लाइक अ फ्रेंड, कभी यू हैव टू एक्ट लाइक अ प्रिंसिपल, यू नो. सो डिपेंड्स अपॉन उनके मूड के लिहाज से आप क्या बन जाते हो. तो अगर पाकि में बात की जाए और किस तरह के प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहें, कुछ थॉट होता है माइंड में कि इस तरह की मूवी करनी है मुझे या इस तरह की मूवी नहीं करनी है मुझे, ऐसा कुछ. सी अगेन वन मोर थिंग आई लर्न फ्रॉम नागेश सर, उनको हर जॉनर की फिल्म बनानी है. वो चीज़ मैंने उनसे भी सीखी है. मुझे भी हर जॉनर में फिल्म बनानी है. लेकिन सी आई लाइक टू गिव अ मैसेज. सो मेरी हर फिल्म में एक मैसेज रहेगा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट रहेगा, वो तो पक्का रहेगा. लेकिन जो स्टोरी मेरे को अच्छी लगेगी मैं वो करूँगी, जो नहीं अच्छी लगेगी वो नहीं करूँगी. सिंपल. सो और जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, पीसी मैम से कुछ आपकी खास बातचीत हुई हो या आपने आपको उन्होंने कुछ टिप्स दी हो एज मतलब डायरेक्टर के तौर पर कुछ. यू नो जब भी मुझे डाउट होता था ना कि मैंने फिल्म अच्छी नहीं बनाई है, मुझे लगता था कि ये अच्छी है कि नहीं अच्छी फिल्म, शी वॉज द ओनली वन हु वुड कीप सेइंग Pakhi, stop doubting yourself. You've made a beautiful film. We have made a beautiful film. You know? And of course, climax mein unka bahut haath tha. Hum log reshoot kar rahe the. Climax hamara complete nahi ho paya tha because of, again, weather. So when I came back, we redid the climax and she was very involved in it, creatively also. See, like I said, she's very hands-on producer but not an interfering producer. And Dr. Madhu Chopra, unke baare mein jitna bolu, wo kam hai. She's amazing. She's one of the best producer a girl can ask for. So kuch din baad Priyanka aur Nik ki shaadi mein kya kuch taiyariyan hain aapki taraf se bhi kuch? Nothing. See, I'm a professional. The wedding is only for friends and family and I'm a professional person. So I don't count. So lastly kya kuch kehna chahte hain apne fans ko, apne chahne walon ko? सी अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल बहुत खुश हो एंड आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा सा दिन व्यतीत करें, सो प्लीज़ जाके हमारी फिल्म देखिए. ये बहुत कुछ कहती है, बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कहेगी. आप हंसेंगे इसमें और खुश हो जाएंगे. थैंक यू सो मच.